नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सीबीएसई एलओसी क्लास 10th 12th 2021-22 के लिए पर कैंडिडेट फी क्या है, सीबीएसई ने क्या निर्धारित करी है, लास्ट डेट क्या है एलओसी सबमिशन की, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या लेट फी या फाइन के साथ में लास्ट डेट ऑफ एलओसी सबमिशन में कोई एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि दो तरीके के स्कूल्स हैं सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड, एक है इनसाइड इंडियन स्कूल्स और एक आउटसाइड इंडिया स्कूल्स। तो पहले बात करते हैं इनसाइड इंडिया स्कूल्स की। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए ही 5 मेन सब्जेक्ट्स के लिए जो पर कैंडिडेट फी रखी गई है वो है 1,500 रुपीज, यानी 1,500 रुपये, 1,500 रुपये प्रति कैंडिडेट मुख्य 5 विषयों की फी रखी गई हुई है। इसके साथ ही अगर स्टूडेंट ने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, यानी छठा और सातवां सब्जेक्ट है, तो प्रति सब्जेक्ट 300 रुपये की एडिशनल फी भी उसको पे करनी होगी। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए क्लास 10th के स्टूडेंट को तो 350 रुपये, 350 रुपीज पर कैंडिडेट फॉर माइग्रेशन फी, और क्लास 12th में 350 रुपीज माइग्रेशन फी तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट को क्लास 12th के बाद में माइग्रेशन लेना ही लेना होता है। अब बात कर लेते हैं हम आउटसाइड इंडिया स्कूल्स की। अगर आउटसाइड इंडिया स्कूल्स की बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपीज फॉर 5 मेन सब्जेक्ट्स, मुख्य 5 सब्जेक्ट के लिए 10,000 रुपये फी प्रति कैंडिडेट लगेगी, और एडिशनल अगर कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है, 6th या 7th सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 2,000 रुपये प्रति कैंडिडेट फी सीबीएसई को दे होगी। माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट की फी है यहाँ पर वो भी 350 रुपीज है, यहाँ पर चेंज नहीं है। अब एक जो क्लास 12th में एडिशनल चार्ज लगने वाला है वो चार्ज है, क्योंकि 12th में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो इनसाइड इंडिया जो स्कूल्स हैं वहां पर 150 रुपीज फॉर ईच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उतनों को 150 से गुणा कर देना है, यानी 2 है तो 150 × 2, 3 है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 150 रुपीज × 3, और 4 है तो 150 रुपीज × 4। इस हिसाब से प्रैक्टिकल की एडिशनल फीस लगेगी इनसाइड इंडिया स्कूल्स में। और वहीं बात करें अगर हम आउटसाइड इंडिया स्कूल्स की, तो प्रैक्टिकल फी जो बढ़कर के हो जाती है 350 रुपीज पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी 350 रुपये प्रति प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आउटसाइड इंडिया स्कूल्स के लिए ये है सीबीएसई को जो दे होगी। अब बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ एलओसी सबमिशन की। तो विदाउट लेट फी जो एलओसी सबमिशन की डेट है वो 30th सितंबर 2021 है। इसको ध्यान से समझ लेने की जरूरत है। बिना लेट फी का भुगतान किए अगर हम बात करते हैं एलओसी सबमिशन की लास्ट डेट की, तो वो है 30th सितंबर 2021, यानी 30 सितंबर 2021 लास्ट डेट है, और लेट फी पर कैंडिडेट 2,000 रुपये पड़ेगी यदि 30 सितंबर तक एलओसी का फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता है। इफ एलओसी इज नॉट फाइनलाइज्ड टिल 30th सितंबर 2021, देन ₹2,000 पर कैंडिडेट शैल बी चार्ज्ड एज लेट फी, और लेट फी के साथ जो डेट दी हुई है सबमिशन की, एलओसी सबमिशन की, वो होगी 9th अक्टूबर 2021, और ये 9 अक्टूबर 2021 जो लेट फी के साथ में एलओसी सबमिशन डेट है, ये इनसाइड इंडिया स्कूल्स, आउटसाइड इंडिया स्कूल्स, क्लास 10th क्लास 12th दोनों तरीके के एलओसी के लिए है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि समय से पहले एलओसी सबमिशन हो जाए। स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अपना सारा डेटा चेक करके अपने पेरेंट्स के साथ में स्कूल्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि दे आर द पर्संस हु शैल बी अफेक्टेड एट द लास्ट। अब एक चीज जान लेने की है कि किन किन कंडीशंस में लेट फी कैलकुलेट की जाएगी। अगर 30 सितंबर 2021 तक, यानी 30th सितंबर 2021 तक एलओसी फाइनलाइजेशन हो जाता है और 1st ऑफ अक्टूबर को फी पेमेंट कर दिया जाता है,
तो कोई भी लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन 30 सितंबर 2021 के बाद फाइनलाइजेशन किया जाता है तो लेट फी चार्ज होगी। एक और कंडीशन है कि अगर 30 सितंबर 2021 तक एलओसी फाइनल तो कर दी जाती है लेकिन फी का पेमेंट 1 अक्टूबर तक नहीं होता है तो ऐसे केस में लेट फी चार्जेबल होगी। अब फी का जो पेमेंट है वो केवल और केवल ऑनलाइन मेथड से ही किया जाएगा। वो आरटीजीएस हो सकता है, वो एनईएफटी हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकता है या डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है। कैश किसी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन सीबीएसई के द्वारा परमिटेड नहीं होगा। इन केस ऑफ फॉरेन स्कूल्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या स्विफ्ट के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि जब हम स्विफ्ट की बात करते हैं, स्विफ्ट ट्रांजेक्शंस की, तो इनको एकम्प्लिश होने में, पूरा होने में इट टेक्स 2 to 3 days। तो स्कूल्स जो आउटसाइड इंडिया है उनको चाहिए कि अपनी प्रोसेस को इस तरीके से समय के साथ कंप्लीट कर लें कि 30 सितंबर 2021 तक एलओसी फाइनलाइजेशन हो जाए ताकि लेट फी से बचा जा सके। तो ये जानकारी थी फी पर कैंडिडेट के बारे में और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बारे में, किस तरीके से फी का पेमेंट किया जा सकता है, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में, लेट फी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी के काम आएगी। तो और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई बाबा महाशा के साथ। देखते रहें और सुनते रहें संग्राम सिंह को। जय हिंद, जय भारत।